सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उसे दबाने के बाद बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाले नए वीडियोस के अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलती रहे। जो रक्षाबंधन का दिन है, पूर्णिमा का दिन है, इस दिन भी आप कुछ ऐसे उपाय करें तो उससे आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत जल्दी दूर होती है। आर्थिक संबंध को लेकर आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे दूर करने के लिए तो करें आज के ये स्पेशल कुछ उपाय जिससे आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। तो पहला उपाय, रक्षाबंधन के दिन जब आप अपनी बहन से राखी बंधाते हैं तो उससे पहले ही अपनी बहन को प्रिपेयर कर दीजिएगा कि वो आपके लिए एक छोटा सा उपाय जरूर करके रखे। उपाय में क्या करना है, आपको उन्हें ये कहना है कि वो एक गुलाबी रंग का कपड़ा जो है उसके अंदर चार चीजें, सुपारी, चावल, सिंदूर और कोई भी सिक्के, आप वो चांदी का सिक्का भी रखें तो बहुत अच्छा है, ये आपको सारी एक पोटली बनाकर अपनी अपनी बहन को बोलें कि वो एक पोटली बनाए और आपको रक्षाबंधन वाले दिन गिफ्ट करें। उसके बाद आप उन्हें कोई भी हरे रंग की मिठाई दें और उसके बाद आप वो जो पोटली है उसे आप अपने पूजा वाले स्थान में या फिर हो सके तो आप जहां पर धन रखते हैं आप वहां पर उस पोटली को रखें तो आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक समस्याएं जो हैं वो दूर होती चली जाएंगी धीरे धीरे। बाकी आपके कर्मज अच्छे होने चाहिए, आपको प्रॉब्लम जो है वो बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। तो ये तो था पहला उपाय। दूसरा उपाय अगर हम करते हैं, दूसरा उपाय उन सभी के लिए है जिनके घर में प्रॉब्लम्स रहती हैं, यानी कि जिनके घर में उनको लगता है कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो उनके लिए उपाय है आपने क्या करना है, आपने रक्षाबंधन वाले दिन सुबह एक खीर बनानी है। चावलों की खीर ना होकर ये सेवियां अगर बनाएं तो बहुत अच्छा है। आप क्या करें, सेवियां बनाएं अपने घर के एंट्रेंस में, जो आपका एंट्रेंस डोर है उसके लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में आपको 9-9 इंच के स्वास्तिक बनाने हैं। स्वास्तिक आप जानते ही हैं कैसे बनाते हैं, आपको बस स्वास्तिक बनाना है और स्वास्तिक बनाने के बाद आपको उन स्वास्तिक की पूजा करनी है। पूजा कैसे करनी है, आपको हल्का सा गंगा जल छिड़कना है, उसके बाद आपको छोटे छोटे मोली के आप दो टुकड़े काटिए और जब आप स्वास्तिक बना दें उसके बाद आप मोली और वो जो खीर है उसमें मोली को खीर में डालकर आप वहां पर चिपका दें, उससे आप उसका पूजन कर सकते हैं। और उसके बाद आप ओम गंगण पतये नमः का 7 times एक स्वास्तिक पे, 7 times दूसरे स्वास्तिक पे अगर आप करते हैं तो उससे आपके स्वास्तिक का पूजन भी हो जाता है। आप ये करने के बाद उसके बाद क्या करेंगे कि आप अपने घर के मंदिर में जाएंगे और जो भी आप इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, आप मंदिर में जाएं और एक सफेद कागज लें और उसके ऊपर आप रेड कलर से अपनी इच्छाओं को लिखिए। आपकी इच्छा कुछ भी हो सकती है, चाहे रिश्तों को लेकर, करियर को लेकर, किसी भी तरह की इच्छा हो, बेझिझक आप उस कागज पे लिखिए। आप वो इच्छा उस कागज पे लिखिए, रेड पेन से आप लिखकर अपने मंदिर के किसी भी मूर्ति के पीछे आप उसे रख दीजिएगा। आप रोज सुबह उठें, उस इच्छाओं को पढ़ें और दोबारा से आप वहीं पर रख दीजिएगा। आप देखिएगा कि कुछ दिनों के बाद अपने आप ही ऐसे माहौल, ऐसे अपॉर्चुनिटीज बनने लग जाएंगी कि आपकी वो जो इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे पूरी होने लग जाएंगी। और जैसे जैसे आपकी इच्छाएं पूरी होती रहें आप उस पर टिक मारते रहिएगा। तो ये था एक बहुत अच्छा उपाय जिसमें आप अपने मन की सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, स्पेशली रक्षाबंधन के दिन ये वाला उपाय करके।